नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। दुनिया के सबसे बड़ी क्लेफ्ट केंद्रित एनजीओ स्माइल ट्रेन ने आज एक गहन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की, जिसमें 20 साल की अवधि में देश भर में स्माइल ट्रेन के क्लेफ्ट केयर प्रयासों के परिवर्तनकारी प्रभावों को दर्शाया गया है। कंसल्टेंसी फर्म KPMG द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के संकलन पर आधारित रिपोर्ट में दो दशकों की अवधि में क्लेफ्ट केयर को सहयोग करने वाले स्माइल ट्रेन के कार्यक्रमों के सामाजिक प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए 3 शोध पद्धतियों पर काम किया गया है। रिपोर्ट में 2000 से क्लेफ्ट उपचार में स्माइल ट्रेन के निवेश के माध्यम से भारत में पैदा हुए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। आपको बता दें, 2000 के बाद से स्माइल ट्रेन ने पूरे भारत में 7 लाख से अधिक क्लेफ्ट सर्जरी में सहयोग किया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस बात को पुष्ट करते हैं कि भारत में स्माइल ट्रेन का कार्यक्रम वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। ये क्लेफ्ट इलाज तक पहुँच में सुधार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में स्माइल ट्रेन के समर्थन ने सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सभी उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि स्माइल ट्रेन इंडिया का सहयोग क्लेफ्ट रोगियों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण था। मौके पर बोलते हुए स्माइल ट्रेन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय निदेशक एशिया ममता कैरोल ने कहा, भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश में कटे होठ और या तालू की सबसे अधिक घटनाएँ देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल 6000 से अधिक क्लेफ्ट रोग प्रभावित बच्चे पैदा होते हैं। यूपी में हम सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और व्यापक क्लेफ्ट उपचार देने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को वित्त पोषण और प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में अपनी 15 साझेदार अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी करते हैं, ताकि आशा कार्यकर्ताओं को क्लेफ्ट बच्चों की पहचान करने, उन्हें इलाज में लिए स्माइल ट्रेन के साझेदार अस्पतालों में भेजने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। हम ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अपने प्रयासों को मजबूत और विस्तारित करना जारी रखेंगे कि क्लेफ्ट वाले प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके। भारत में कटे फटे होठ और तालू से पीड़ित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में हमने जो प्रगति की है, उस पर हमें गर्व है। द क्लेफ्ट फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है इंडिया में, जो केवल क्लेफ्ट जो है, जो बर्थ डिफरेंस है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और आज एक बहुत ही हिस्टोरिक और ऐतिहासिक अवसर है, जहाँ पे हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है कि इन 20 सालों में हमने इंडिया में क्या काम किया है क्लेफ्ट का, और इसका क्या परिणाम हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ऑन patients, on people, on their families, on their community, on our country. तो वो जो रिपोर्ट है, जो हमने KPMG के पार्टनरशिप से ये रिपोर्ट आज लॉन्च की है, वो हमने लखनऊ में लॉन्च की है। ये बहुत हम लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमने वो यहाँ पर किया है। और ये एक बहुत ही, एज आई सेड, की हिस्टोरिक स्टडी है, जो क्लेफ्ट की जो जर्नी है इंडिया में, जो स्माइल ट्रेन के द्वारा हमने ये सारा कार्यक्रम किया है, उसके बारे में बताती है। तो आज हमने वो किया है यहाँ पे। किन किन राज्यों में और किन किन जिलों में आपकी संस्था काम? हम लोग पार्टनर हॉस्पिटल्स 15 हैं उत्तर प्रदेश में, और 9 सिटीज़ में हैं। लखनऊ है, अलीगढ़ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, और क्या है, लखनऊ के कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं? लखनऊ के 4 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो KGMC मेडिकल कॉलेज है, हेल्थ सिटी है, और सिप्स हॉस्पिटल है, और विवेकानंद हॉस्पिटल है। तो ये 4 पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ में, जहाँ पे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज़ है, ट्रीटमेंट है क्लेफ्ट का, उस पर बहुत फोकस करते हैं कि केवल एक ही सर्जरी ना हो और फिर कह दिया जाए कि चाहिए हम बस यही यहाँ तक ही कर सकते हैं। स्माइल ट्रेन एक ऐसी संस्था है जो पूरा क्लेफ्ट की जो जर्नी होती है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि जिस जो सर्जरी है, केवल एक सर्जरी पे नहीं मतलब पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, तो इसलिए कई थोड़ी सर्जरीज चाहिए होती हैं, स्पीच थेरेपी चाहिए होता है, ऑर्थोडॉन्टिक्स चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, काउंसलिंग चाहिए होता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी संस्था है, जो स्माइल ट्रेन इंडिया है, वो पूरे ट्रीटमेंट एकदम फ्री, 100% फ्री प्रोवाइड करता है। एंड जैसे मैंने बताया, लखनऊ में 4 पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं जो ये ट्रीटमेंट, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो उस तरह से हमारा काम होता है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता होगा, क्योंकि
पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो पिछले टाइम का समय रहा हो चाहे अभी भी रहा हो, लेकिन कन्विंस करना उन्हें बड़ा मुश्किल होता, भरोसा दिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कितना चैलेंजिंग रहता है आप सभी लोगों को ऐसे जागरूक करना, उनको कन्विंस करना कि आपका बच्चा सेफ रहेगा, उनके लिए ऐसे काम कर रहे हैं, उसको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और हम लोग ये सारा इतना जो बड़ा काम है, जो जैसे हमारे 120 पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया में और 7 लाख से भी ज़्यादा हम लोग ये क्लेफ्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट कर चुके हैं इन 24 सालों में, तो ये सब जो चीज़ है ये स्माइल्ट्रेन जैसी संस्था अकेले नहीं कर सकती, आप लोगों को भी मालूम है। एक तो डेफिनेटली जो हमारे 120 पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं उनका एक एक मेंबर, चाहे वो सर्जन हो चाहे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो, स्पीच हो, ऑर्थोडोंटिक्स हो, काउंसिलर हो, इवन नर्स और ओटी असिस्टेंट्स, उन सब का हम लोग बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारा इतना बड़ा काम अचीव हुआ है। हम लोग इसकी वाहवाही खुद नहीं ले सकते क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक्चुअल काम करते हैं, ठीक है, हम लोग तो केवल सपोर्ट कर रहे हैं इनको। दूसरा बहुत इसमें एक अहम मुद्दा है अवेयरनेस का, जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई एक तो ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं, ये देवी का या भगवान का प्रकोप नहीं है, ऐसे ज़िंदगी अगर चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसे बर्थ डिफरेंस से पैदा हुआ है तो उसका भी एक ये मेडिकल कारण है, सबसे पहले तो बात तो ये कोई प्रकोप नहीं है, ये कोई ऐसा अंधविश्वास की चीज़ नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है। यदि मेडिकल कंडीशन है तो इसका ट्रीटमेंट भी मेडिकली होएगा। मेडिकली कैसे होगा, जो 120 हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा होगा। फंडिंग कौन देगा, स्माइल्ट्रेन इंडिया देगी। तो ये जो 3-4 मुद्दे हैं जो लोगों को जिसके बारे में हमें बताना है, उसके लिए भी हम RBS के, आशा और सरकार की मदद लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास जो हैं टीम्स हैं जो गांव-गांव घर-घर उनको हर जने का मालूम होता है, कहीं भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ उन लोगों को सबसे पहले पता होता है। तो स्माइल्ट्रेन ने कहा कि ठीक है हम लोग इन लोगों से पार्टनर करते हैं, हमारे MOUs हैं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्टेट जो हेल्थ चैप्टर्स हैं NHM वगैरह के, और हम लोग उनके साथ में काम करते हैं, सो दैट हम ये अवेयर उनको पूरी सूची देते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं पहली बात तो, कि भाई यदि आपको ऐसा बच्चा दिखे तो ये देखिए ये स्माइल्ट्रेन के सेंटर्स हैं जिसमें पूरा हर चीज़ फ्री होता है, तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों को ये बच्चे हम तक पहुंचाने हैं सो दैट हम पूरा ट्रीटमेंट करें। सो वी आर ऑब्वियसली वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, वी आर ग्रेटफुल टू ऑल द RBS के इन आशा टीम्स टू पार्टनर विद स्माइल्ट्रेन टू गिव दिस यू नो अवेयरनेस। दूसरा अवेयरनेस का एक और है कि भाई जो मेडिकल एसोसिएशन है जैसे FOGSI है, फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, अब ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके 35,000 हमारे देश में इनके मेंबर्स हैं, अगर आप FOGSI की मेंबरशिप लिस्ट देखें। तो हम लोग क्या करते हैं इनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप लोग छोटी छोटी जगह में, आपके लोकल चैप्टर्स भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं FOGSI के मेंबर्स जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो गायनेक को पता होता है, तो वी ट्रेन देम कि अगर क्लेफ्ट है तो ये मत कहिए कि हमें नहीं पता या बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ये होगा। हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें कुछ इंटरवेंशन, सबसे पहले हमें मदर को फीडिंग इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, क्योंकि तालू जब खुला है तो जब बच्चा ऐसे पैदा होता है तो वो दूध नहीं पी पाता है, इज़ इक्वल टू मैल न्यूट्रिशन। फिर हम कह देते हैं हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन है, भाई हमें ट्रेनिंग देनी है ना माओं को कि बच्चों को फीड कैसे करें, तभी तो मैल न्यूट्रिशन कम होगा हमारे देश से, राइट। तो वो स्माइल्ट्रेन की टीम्स जो हैं, हॉस्पिटल्स की टीम, वो मैल न्यूट्रिशन जो है वो भी टैकल कर रही हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चों को फीड कैसे करना है, क्या फीड करना है और कैसे फीड करना है, ये दोनों चीज़ें जो हम लोगों की टीम्स जो हैं ट्रेन करती हैं। तो ये जितना पैराफर्नेलिया, जितना इंतजाम हैं, ये सब हमारी टीम्स पूरा बताते हैं। इसीलिए जो आप कह रही थी कि फैमिलीज को कन्विंस करना, वो इसी के तरह कन्विंस जो है एक बार में नहीं होता, एक बार में आप किसी के भेजे में घुसेड़ दें कि भाई ये है। Now I'm Susanna Schaefer. I'm the president and chief executive officer of SmileTrain. I'm so happy to be here today in Lucknow. This is SmileTrain's 25th anniversary year globally. In 25 years we have treated over 2 million people with life-changing cleft lip and palate surgery. It's just been a wonderful year for us, and we're here in Lucknow today
announcing a quality of life and impact study that was done on our patients here in India. We have wonderful findings and just feeling really proud of our work and how cleft lip and palate treatment has transformed so many lives here in India. Over 700,000 now since 2000, the year 2000 in India. So thank you for having me today. Thank you. India is our largest cleft program at Smile Train. As I said, we've treated over 700,000 patients here. I think our work here needs to be comprehensive. We're still working on raising awareness for cleft lip and palate treatment, and that Smile Train is able to treat cleft lip and palate 100% free of charge for our patients and their families. लखनऊ से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में बस इतना ही. देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत.